बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर की कोरोना वायरस रिपोर्ट आखिरकार नेगेटिव आई है। बीते कई बार से टेस्ट रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ रहे थे। कनिका के साथ उनके फैंस और उनका पूरा परिवार परेशान था, लेकिन फाइनली अस्पताल की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर आपको बता दें, कनिका की इस बार हुए टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। लखनऊ PGI के कोरोना वार्ड में भर्ती कनिका ने रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद राहत की सांस ली, लेकिन अब एक बड़ी मुसीबत का डर उन्हें सताने लगा है। कनिका को सरोजनी नगर थाने में दर्ज मुकदमे का डर सता रहा है और यही वजह है रिपोर्ट नेगेटिव आने के तुरंत बाद उन्होंने अपने वकील से मुकदमे के सिलसिले में बात की। बता दें आपको, 20 मार्च को कनिका को कोरोना का संक्रमण पॉजिटिव आने के बाद इस हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। करीब 16 दिन से उनका इलाज चल रहा है। टेस्ट हुए, टेस्ट रिपोर्ट्स पॉजिटिव आए, जिस वजह से उनका परिवार चिंतित था। दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण होने के बावजूद कनिका शहर के कई समारोह और पार्टियों में शामिल हुई। उन पर आरोप लगाया कि कनिका ने एयरपोर्ट पर जाँच नहीं कराई। संक्रमण छुपाने पर कनिका के खिलाफ प्रशासन ने सरोजनी नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। अब जैसे ही कनिका ठीक होकर घर लौटती हैं, उन्हें मुकदमे से निपटना है, जिसे लेकर वो अभी से चिंतित हो गई हैं। बता दें आपको, कनिका ने अपने वकील को फ़ोन किया है, वकील से इस बारे में बातचीत की है। वो अस्पताल से डिस्चार्ज होने से पहले ही ये सारी परेशानियाँ ख़त्म कर लेना चाहती हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।